भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज 9 जून से खेली जाएगी। इसको लेकर भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और इस टीम में कई बड़े नाम शामिल रहे तो कई युवा खिलाड़ियों को भी इसमें मौका दिया गया। इसमें जो एक बेहतरीन नाम और बड़ा नाम सामने आया वो था उमरान मलिक का। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए IPL में गेंदबाजी की कमान संभाल रहे थे और लगातार टीम के लिए विकेट चटका रहे थे और अब उन्हें इसका तोहफा मिला कि वे भारतीय टीम में साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए शामिल हो चुके हैं। बात करें पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग की तो उन्होंने उमरान मलिक को लेकर एक बड़ी बात बताई और टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता व्यक्त कर दी। दरअसल वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि उमरान मलिक के पास बेहतरीन स्पीड है, तेज गेंदबाजी है और अब कप्तान और टीम मैनेजमेंट को ये सोचना होगा कि उमरान मलिक को किस समय पर और किस जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि अगर उमरान मलिक पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे तो टीम के लिए रन खर्च कर सकते हैं। ऐसे में कप्तान को सही जगह पर उमरान मलिक का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि उनके पास टैलेंट है और स्पीड भी है जिससे वह बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। उमरान मलिक के IPL करियर की बात करें तो इस साल उन्होंने 14 मैच में 22 विकेट चटकाए और उन्होंने 9.03 की इकनॉमी से रन खर्च किए। साथ ही उमरान मलिक ने लगातार हर मैच में 150 से ज़्यादा की गेंद फेंकी और IPL में सबसे ज़्यादा तेज़ गेंद फेंकने का भारतीय बॉलर के द्वारा भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके अलावा पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी उमरान मलिक को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि भारतीय टेस्ट टीम में उमरान मलिक की जगह पक्की होनी चाहिए क्योंकि उनके पास टैलेंट है, लेकिन मुझे बस एक चिंता है कि वह अपने वर्कलोड को सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से उसका प्रयोग करें। अगर वह अपने वर्कलोड को सही तरीके से नहीं समझ पाए तो उन्हें इंजरी हो सकती है। टीम मैनेजमेंट और कप्तान को इस बारे में ध्यान देना होगा। आपकी क्या राय है उमरान मलिक को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।